सूर्या सिंगार अगे अशकन जो, सूर्या सिंगार अगे अशकन जो, मरण मोटण मेहणू थिया नज़ारे निरवार, कुसण जो करार असल आशकन के। अस्सलाम वालेकुम, द हिस्ट्री ऑफ सिंध में माया तामीर हुसैन। इन दौर में शाह अब्दुल लतीफ भेटाई के केर न तो सुणे, पर शायद इन जिंदगी या हिस्ट्री बाबत तवां के कुछ घट खबर हो। सो असि कोशिश है तो तवां के मुकम्मल जान हिस्ट्री बुधाई। वीडियो शुरू करण का पैर तवां सभी के गुजारिश है चैनल के सब्सक्राइब करो, असि हौसला अफजाई के लिए वीडियो के जरूर लाइक करो। तो बिना कहीं वक्त विजाए हलूँ था वीडियो की तरफ। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सन 1699 ईस्वी में हैदराबाद जिले के हाला तिलके में हाला हवेली के गोठ में जाओ। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सैयद हबीब शाह जो पुट, सैयद अब्दुल कुदूस शाह जो पोटो, सैयद जमाल शाह जो पर पोटो, सैयद जमाल शाह शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले जो टियों पुट हो। संदस वालदा भी मखदूम दयानी के खानदान में हुई। मखदूम दयानी जो मकबरों पुराने हालन के उभरते तरफ आए। शाह के जमण का पोए शाह हबीब हाला हवेली में लडे वही कोटड़ी में रो। हाला हवेली भिट का नव कोह परे आए, कोटड़ी ब कोह, बई गोठ हाँ वीरान पिया। चवन था तो शाह हबीब पैं पुट के वाई गोठ के मशहूर आलम आखुंद नूर मोहम्मद भट्टी वट इल्म पढ़ाने लाए मोकिलो। वाई जो गोठ भिट का छह उडेर लल का ब कोह परे हो। चवन था तो शाह अल्फ उचारे बेचवण का भी नाबरी हो। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अण पढ़ियल हो या न, तई बाबत जुदा जुदा आलमन जुदा जुदा राया दिना आन। किन साहिबन जो रायो आए तो हू एक यगानू आलम हो, किन साहिबन जो रायो आए तो मथस इल्म लदिन नाजिल थियल हो, जो धनी के तरफा कामिल वजन के अता थींदो आहे। शाह साहिब से अक्सर टे किताब गडो हुआ, कुरान शरीफ, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी, शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वाले जो रिसालो। इन किताबन ते बेहंत कुछ लिखल ना है जैसे शाह जो दस्तखत चाहिए। मीर अली शेर कानिया ठटवी है जो शाह जो मुअतकद हो, संदस ई जमान में रहंदो हो। सो पंजी किताब तहफतुल क्राम में लिखे तो अगरचे हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अणपढ़ी हो तो बे सारे आलम जो इल्म संदस दिल के लिकल तख्ते ते लिखल हो। तहफतुल क्राम शाह साहिब के वफात का सिर्फ 16 साल पोए यानी 1768 ईस्वी में लिखल है। उन करे के आलम इन एक अहम संदता समझन। हकीकत अरफन ओलियान जो जिक्र कंदे मीर अली शेर वनी करामत मौजन के इश्क में गिरफ्तार थो। संदस दफ्तर में को खास तवारखी या शख्सी अहवाल खेर नो मिले। रवायत आए तो शाह वीन वरियन जो हो तो खेस मिजाजी मोहब्बत चो कान लगो। चवन था तो कोटली के मिर्जा मुगल बेग जो शाह हबीब में कामिल वेसा हो, खेस दुआ फीण लाए अक्सर पैं घर में वही वो हो। वो अर्गुन हो, संदस घर में सख्त पर्दो हों हो। संदस घर में को बीमार थी पवन हो तो मुर्शद के अर्ज कर दुआ लाए वी वो हो। एक दफे संदस न्याणी बेचाक थी पई। इतफाक से सागे वक्त शाह हबीब की तबियत बे नासाज थी वही। उन करे मिर्जा बेग के चवण से पैं पुट अब्दुल लतीफ के साण वन की हिदायत कई। शाह मुगल मुगल के दफ्तर जो हुसन ऐसे बेखूद थी वो। संदस आंगुर पैं हथ में झलींदे चयाई जैसे आंगुर सैयद के हथ में तैंखे लहर नको लोडो। सुखन सोने मिर्जा संदस अजीज गुस्से में अची वह पर बाहर सब्र इख्तियार कर उन अंदर ही अंदर सैयदन के अड़ो तबाही खो जो हू लाचार थे कोटड़ी छड़े उत्तर तरफ वही धार हवेली अडे कुछ मुफासिलो परे वही वेठा। इश्क के कान गेन का पोए शाह हरण हुमा वांगुर शेरन बयाबन में सरगुदान हैरान थी पो फिर हो। एक दफे तो टे ढी शांत एक हंध गश गश पो हो। संदस जिस्म से वारिय जहा तह चढ़ी वह रुगो संदस एक कपड़े जो पलांद बाहर पे दिठो। किस्मत से एक पवार की वही मथस नजर पई जै सारो अहवाल वही शाह हबीब के बुधा। शाह हबीब उडामद अची उन हंध पोतो ढे सोज में चयाई लगी लगी वाह व्या अंगर लटजी। शाह बेखुदी की हालत में छिरक भरे उछो जवाब दिनाई पई खणे पसा पसर कारण प्रिय जे के शौरी मानू उन ख्याल जान त इन शौरी जमान में अड़ी रवायत के दंत कथा करे शुमार करण जगाई है उन्हें का ग्रेज करण या किनारो करण वाजिब आए। एक ढी शाह ओचितो ही ओचितो बिना कंखे बुधाने चिताने जी जोगियन के संग में हिंगला चलो वो। ऐसे तो सान गंजे टकुर वाले वाट वी वो हो। संदस सोबत में टे वरिया सफर ए सियात में रो।
जोगियन में जिया के अनेक जफाऊं दिनाई जहानी तजुर्बा प्रायाई अमूल्य आत्मा का खजाना हथ कयाई हिंगलाच डां वेंदे जेके हंध ऐं मकान ॾिठाई तिन जो ज़िक्र ससीअ वारनि सुरनि कावड़ी रामकली वग़ैरह में कयो अथसि। हिंगलाच खां मोटींदे शायदि ठटे का सिंधू नदीअ वारो पतण में उकिरी मुगलियुनि लखपत हालार दौराका पूरींदर जूनागढ़ गिरनार ऐं खंबा थो घुमियो आहे। चवनि था त ठटे में मखदूम मोइन ऐं ॿियनि आलमनि फाज़िलनि साबेराणियूं कयाई। मखदूम मोइन खे मखदूम तारो बि चवंदा हुआ। वतन ॾांहुं विरंदे जले समीर ऐं थर बि घुमंदो आयो थो ॾिसिजे। सुरमारी ऐं थर जे नज़ारनि ऐं थरियुनि जी ज़िंदगीअ जो अखियुनि ॾिठो उजवाल ॾिनो अथसि। मुमकिन आहे त जले समीर खां पंज कोह परे लॾाणू टकरी ऐं हुन सां लॻियल काक कंधे बि ॾिसी आयो हुजे। सुर मुमल राणू अहिड़ी शादी ॾिए थो साहिब सैद चए लंडाणे ताला। हिकु ॾींहुं ठटे खां विरंदे हिकु गार में हिकु शख़्स खे ॾिठाई त हीअ मिसरा नियाज़ दर्दनाक नओ में पढ़ी पढ़े पियो। हिकु लाई हेल पूरींदसि पुनू ॾे इहा मिसरा ॿुधे मैलूम थियो उहो हिकु जत हो। हालनि जे भरिसां लंघंदे फ़क़ीरनि जे वाता आया मिसरा ॿुधी हू ईअं ई छा चयुसि त चए चाई त बेत जूं बाक़ी ॿ मिसरूं ॿुधायां। उन ते जत ख़ुशी ॾेखारी तंहिं ते छा ॿी मिसरा चई ॿुधायसि आॾो डूंगर लकियूं सूरियूं सॼनि सेल। ॿी मिसरा ॿुधंदे ई जत विजद में अची वियो ऐं टी मिसरा ॿुधण लाइ बेताब थियो। जंहिं ते छा टी मिसरा चई ॿुधायसि त केर ॿेली आहिनि ॿेल जे सूर प्रिया जा साणमूं। छा जो बेत ख़तमु करणु ऐं जत जो फोत थियणु छा जे अरमान ऐं अजब जी हद न रही। पोइ जत खे उते दफ़न कयाई। उन जत जी क़बर अञा ताईं वाटड़नि खे ॾिसण में ईंदी आहे। छा अक्सर चवंदो हो त इन इहे जत जहिड़ो दर्द वारो इंसानु मूं कॾहिं कोन ॾिठो। छा बि पुट जी फ्राक में बेहाल थी पियो हो ऐं राति ॾींहुं पियो धणी दर अॾाईंदो हो त संदसि पुट खेसि वारीअ सलामत अची मिले। मखदूम नूह जी दरगाह ते बि हर रोज़ु इहा ई दुआ पिनंदो हो त हिकु ॾींहुं ओचितो ई ओचितो छा अब्दुल लतीफ़ भेटाई अची पंहिंजे घर सेड़ियो। पीउ जूं अखियूं ठरी पियूं। वरियां जो विछड़ियो हिकु खन में लही वियो। छा जे घर मोटी अचण खां सत थी पोइ मथे शादीअ जो ॿधण पोइ जंहिंजे कारण घणो वक़्तु बेताब थी झंग वादियूं ऐं रिण फिरियूं हो। तंहिं सां ई कुदरत संदसि नातो जोड़ियो। इहा ई मिर्ज़ा मुग़ल बेग जी नियाणी बीबी सैदा बेगम जंहिंखे शाह साहिब जा मुरीद पोइ अदब विचां ताजुल मुख़्तरात सतीअ जी छिट छॾींदा हुआ। छा जी शादी कीअं थी इहा बि हिकु हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे। हिकु ॾींहुं इतफ़ाक़ सां ईअं ई जो दिलि ज़ात जा जाहिरज़नि मर्दनि जी गैर हाज़िरीअ जो फ़ाइदो वठी मिर्ज़ा मुग़ल बेग जे घर काए आया। सारो क़ीमती सामान ॿाहिरि रमंदा रहिया। पोइ मुग़ल हथियार बंदि माण्हुनि सां खणी करे धाड़ेलनि जे कुठ लॻा ऐं अची शाह जे पाड़े सां लंघाऊं थिया। इहा रवदाद ॾिसी शाह सची नियत सां पंहिंजूं ऐं पंजनि माण्हुनि जूं ख़िदमतूं आछियूं। पर मिर्ज़ा उनखे हकारत सां थुकारे छॾियो। शाह खे इन तां ॾाढो रंज थरसियो। चवनि था त संदसि ज़बान मां बेख़्तियार बददुआ निकिरी वई। मिर्ज़ा पंहिंजनि माण्हुनि समेत शाही गन हथां मारिजी वियो। इहो हादिसो 1124 मुताबिक़ सन 1713 ईसवीअ में थियो। मुग़लनि जे ज़ालनि सैदनि जे रंज मिटाइण लाइ अची खान माफ़ी वरिती। पोइ मिर्ज़ा मुग़ल बेग जे नियाणी जी शादी शाह सां करायऊं। बीबी साहिबा हिकु निहायत पाकदामन पारसा ऐं नेक उतवर औरत हुई। शेख सैदीअ जो फ़रमान आहे जन नेक व फर्ज़ाना वपार पादशाह साकंद मर्द दरवेशरा। यानी नेक सियाणी औरत फ़क़ीर मर्द खे बि बादशाह बनाए थी छॾे। हिन जी सगोरी सोबत सां शाह खे हिकु रुहानी बादशाह बनाए छॾियो। त कहिड़ो अजब हो पाण सां पंहिंजो नंढो भाउ गोलू वठी आई हुई जो जल्दी गुज़ारे वियो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ खे को औलाद कोन थियो। चवनि था त बीबी साहिबा खे हिकु बार उमेदवारी थी हुई पर पोइ किया थी पियसि। आहे उन जो कारण हिन रीत ॼाणियलु आहे त हिकु ॾींहुं शाह पंहिंजे फ़क़ीर खे परे खां सिकनि ते ईंदे ॾिठो। पुछण ते मैलूम थियसि त बीबी साहिबा खे पले ते दिलि थी हुई ऐं उहो फ़क़ीर डोड़ी वञी खणी पंध खां पलो हथु करे आयो हो। इहो अहिवाल ॾिसी शाह चयो त अहिड़ो औलाद ई घुरियो जो ॼमण खां अॻु ई मुंहिंजे फ़क़ीरनि खे थो रुलाए। शाह भिटाई हमेशह चवंदो हो त हीउ फ़क़ीर ई मुंहिंजो औलादु आहिनि जिन जूं दिलियूं इश्क खां गयल आहिनि। हक़ीक़त में दरवेशनि जा मुरीद संदन नूरी पुट आहिनि।
शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अना भिट के तैयार करण में लगल हो तो पैं वाल सगोर की सख्ती बीमारी की खबर मिलस। शाह हबीब कासिद हथा पुट दा ही मोकलो कें जै नी न था जे मुँ वाजाइंदे न वरो जेके मुए कंधा सो जानब करो जीअरे। शाह साईं पैं वालिद के आखिरी तरह गड़जण लाए बेहद बेताब थो कासिद के जवाब में ही बेत दिना मता थे मुलूर कीन अघाऊँ आयू दिसण में कर दूर हद बिनी जी हिकड़ी। शाह हबीब के पुट जो नियाप मिलो तो अंदर के आराम अची वस। शाह नियाप मोकलने का तुरंत ही पोए पैं वालिद सगोर के मिलने लाए रवानो थो। अफसोस जो संदन पोचने का अगु ही शाह हबीब जो रूह वही हक से एक थो। शाह हबीब सन 1742 ईस्वी में वफात कई। शाह साहब पी की वफात का रुगो 10 वरिया जिंदा रो पी के गुजरण का 48 समेत कोटरी छड़े वही भिट से वही रो। रागो शाह साहेब जी जान हो चवन था वफात का थोड़ो अगु घणो करे हेटी काफी चवन रो हो कड़े मजे हिसाब हमर मुझो हो तरेला। शाह साहेब सफर महीने के 14 तारीख सन 1125 हिजरी मुताबिक 1752 ईस्वी में जान मां लाडाणो कयो। संदस उम्र 63 साल हुई। शाह साहेब जो लाश मुबारक संदस वसीयत मूजिब भिट महमूद शाह के पेरानी का दफन कयो वियो। सारी रात सुबहान जागी जन याद कयो उनजी अब्दुल लतीफ चए मिटी लधो मान कोणे कन सलाम आग अचियो उनके। उम्मीद है तुम सभी दोस्तों के ही वीडियो जरूर पसंद आयो हों। असान वीडियो के जरूर लाइक करो असान चैनल के सब्सक्राइब करो तो मिलूँ था एक नए दिलचस्प हिस्टोरिकल वीडियो में। तेस तई अल्लाह हाफिज़।